साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर है। छठवें चरणों की वोटिंग के बाद अब राज्य में सातवें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। सातवें चरण में राज्य के 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। राज्य में छठे चरण में अब तक 403 सीटों में से 449 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। सातवें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की 54 सीटों पर वोटिंग होनी है। सातवें चरण की कुल 54 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगी ने 36 सीटें जीती थी, जबकि 11 सीटें एसपी, 5 बीएसपी और एक निषाद पार्टी को हासिल हुई थी। वही अगर बात करें सातवें चरण की, तो सातवें चरण में कई जिले ऐसे भी हैं जो काफी हॉट सीट है, जहां पर पहले भी कई अहम मुद्दे सामने निकल के आए हैं। अगर बात वाराणसी की करें, तो वाराणसी में काशी कॉरिडोर बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक खासा अपना पैड बनाया है, और ये भी देखने को मिलेगा सातवें चरण के चुनाव या फिर कहले 10 मार्च के बाद कि कौन कितना अपना दमखम दिखा पाया, भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य कितना दम लाएगी। वहीं अगर बात आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, जौनपुर की भी करें, तो वहां से भी कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और कई मुद्दे इस बार के सामने हैं। अंतिम चरण और सातवां चरण कई मायनों में अहम है, क्योंकि अंतिम चरण के जो वाराणसी है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का गढ़ कहा जाता है। तो अब देखना यह होगा कि कौन कितना अपना दमखम दिखा पाएगा। और पूर्वांचल पूरी तरह से जाति पर आधारित है, जातिकर समीकरण भी बड़ा ही अहम मुद्दा है वहां पर। ओपी राजभर हो गए, अलग अलग पार्टियां हो गई, निषाद पार्टी हो गई, सब अपना अपना गठबंधन अलग अलग पार्टियों के साथ करके इस बार चुनावी मैदान में है। सब अपना दमखम दिखाने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए, तो थोड़े दिनों पहले ही सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओपी राजभर, उनका एक बयान भी आया था कि मऊ में खाता भी नहीं खोल पाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो आइए जानते हैं क्या कुछ इन अलग अलग जगहों पर सातवें चरण के लिए तैयारियां है, किस तरह से लोग और सभी पार्टी अपना दमखम दिखा पाएंगी। वही हमारे संवाददाता अजीत पाठक चंदौली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदौली के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको बताने की। अजीत, क्या कुछ चुनावी माहौल है चंदौली में अभी? मैम, आपको हम बता दें कि चंदौली में की 4 सीटें हैं और 4 सीट में लगभग 2 सीट एकदम दिग्गज है। दिग्गज मतलब सहदराजा विधानसभा हम मान लेते हैं, यहाँ पर सुशील सिंह लड़ रहे हैं और वहीं सपा से लड़ रहे हैं हम मनोज सिंह डब्लू, वहाँ पर बहुत कांटे की लड़ाई पाई जा रही है। और वहीं मुगल शाह विधानसभा की हम बात करें, तो मुगल शाह विधानसभा में चंद्रशेखर यादव लड़ रहे हैं सपा से, और वहीं बीजेपी से बात करें तो रमेश जायसवाल लड़ रहे हैं, यहाँ भी कांटे की लड़ाई पाई जा रही है। और वहीं हम बात कर रहे हैं सकलडीहा से, तो सकलडीहा से प्रभु नारायण सपा से लड़ रहे हैं, और वहीं बीजेपी से शिरोमणि तिवारी को मिला गया है टिकट। तो ऐसे मतलब कि, और चकिया की हम बात करें तो चकिया विधानसभा में सपा से एडवोकेट जी को टिकट मिला है, और यही कैलाश आचार्य को मिला है बीजेपी से टिकट। तो यहाँ पर आपको मतलब कि सातवें चरण में यहाँ पर कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है मैम, और यहाँ पर हम माने तो बहुत कांटे की लड़ाई हो रही है एक दूसरे में कांटे के। आज हमारे जनपद में पूर्व सीएम अखिलेश यादव का भी आज दौरा माना जा रहा है, वही महेंद्रा टेक्निकल कॉलेज में लगभग 12:30 बजे उस संबोधित भी करेंगे आज अपने सपा प्रत्याशियों को लेकर। वही पारा सरगर्मियां बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और हम मानते हैं कि राजनीति मुद्दा सबसे बड़ा सहदराजा विधानसभा माना जाता है, जो दिग्गज लड़ाई है, दोनों का दिग्गज लड़ाई माना, तो वही सुशील सिंह भी लड़ रहे हैं और वही सपा से मनोज सिंह डब्लू का माना जा रहा है दिग्गज लड़ाई। जी अजीत, आपने कहा कि मनोज सिंह डब्लू एक दिग्गज के रूप में सामने आ रहे हैं, और इन दोनों में एक सामने आमने सामने की लड़ाई है। हम अगर बात ये करें कि सभी, जैसे कि सातवां चरण है और सभी जो बड़े नेता हैं, जो सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे में आज जो वहां पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी आएंगे और चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े दिग्गज वहां जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसे में जो बड़े नेता है, जो स्टार प्रचारक है, उनके जो प्रचार प्रसार से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है चंदौली की जनता पर?
मैम आपको हमें बता दें कि आज मतलब जब अखिलेश यादव पूर्व सीएम का आगमन होगा तो मतलब कि मान लीजिए कि सपा पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। सपा के जितने कार्यकर्ताएं रहेंगे, वोटे रहेंगे, वोटर बैंक जुटाएंगे, बहुत ही प्रभाव पड़ा। अभी कल के माने तो कल अभी हमारे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आए थे मोदी, वहां पर भी संबोधित किए हमारे चंदौली में, तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ा जनता को। आगे आज देखिए कि क्या होता है, मतलब कि सपा से आज आएंगे 12:30 बजे, वो भी यहाँ पर करेंगे और देखिए कि मतलब कि अखिलेश यादव बोलेंगे, क्या प्रभाव पड़ता है जनता के बीच। जी वही अजीत, अगर बात किया जाए पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल में जातिगरण हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है और एक समीकरण जो है जाति का, वो कहीं ना कहीं हमेशा से भारी पड़ता रहा है। ऑल्दो अगर बात पूरे विधानसभा चुनाव की जाए तो पूरा विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का जाति पर ही आधारित रहता है। तो ऐसे में चंदौली में क्या जातिगत समीकरण है, किस जाति का वोट बैंक किस ओर जाता दिख रहा है, क्योंकि गठबंधन भी है इधर। जी बिल्कुल बताए। हाँ मैम, हम ये बता दें कि अखिलेश यादव जो है जाति का समीकरण यहाँ भी, ऐसी बात नहीं है कि हर जगह जाति का समीकरण पाया जाता है, वही चंदौली जिला में भी आज जाति का समीकरण पाया जा रहा है। जैसे यादव वोट बैंक है, ये प्रॉपर कि उन्हीं को बैंक वोटर करेंगे, प्लस कुछ हमारे मुसलमान जो बैंक है ओमन ओवी, कल ओवीसी भी आए थे दुल्हीपुर में, दुल्हीपुर में ओवीसी भी आए थे, तो वो भी अपना मतलब की वोट बैंक जुटा रहे हैं। जाति समीकरण का बड़ा ही लाभ मिल रहा है, सबको लाभ मिल रहा है। वही हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को भी हर पहलू से लाभ मिल रहा है अपने जाति समीकरण का। अजीत, आपने बताया कि ओवैसी भी लगातार एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष है वो लगातार वहां पे पहुंच रहे, वो भी करे, तो ऐसे में मुस्लिम वोटर्स की सोर जाता दिख रहा है। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ये दावे करते हैं कि मुस्लिम वोटर उनके हैं, और विपक्ष की पार्टियों की तरफ से अखिलेश यादव पे निशाना भी साधा जाता है कि मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के पास जाता है, कई बातों को लेकर तंज कसा जाता है। ऐसे में जो चंदौली के मुस्लिम वोटर्स है वो ओवैसी की तरफ जाते दिख रहे हैं या फिर सपा के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। मैम ये बता दे कि कल ओवैसी ब्यूरो यहाँ चीफ उनके ओवैसी आए थे और उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, मानिए चाहे मत, उसको आधा से ज्यादा वोट बैंक मुसलमान ओवैसी को देंगे यहाँ पर चंदौली जिले में, और कुछ 10% इस सपा को मिलेगा यहाँ से वोट। अजीत, एक आखिरी सवाल, मुद्दे क्या है चंदौली की जनता को, क्या कुछ विकास कार्य और चाहिए और क्या कुछ विकास चंदौली में नहीं हो पाया है? देखिए चंदौली में ऐसी बात नहीं, बीजेपी सरकार ने विकास तो की है, लेकिन कुछ अभी महंगाई पे मुद्दे उठा रहे हैं कुछ लोग, और महंगाई के कारण जिसके कुछ लोग अखिलेश को लाइक भी कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारा मतलब की गर्मियां यहाँ पर सभी पार्टी दल अपना प्रचार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है। 7 मार्च को देखिए चुनाव होने वाला है यहाँ पर 17वें चरण में, आगे देखिए आज आते हैं, देखिए क्या बोलते भी हैं। जी बिल्कुल अमित, आप सारी खबरों पे अपनी नजर बनाए रखिए और ताजा अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए, हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ चंदौली से जुड़े थे, जहां उन्होंने बताया कि चंदौली की जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से तो खुश है, लेकिन जातिगत समीकरण वहां पर कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। मुस्लिम वोटर एक तरफ जहां ओवैसी की तरफ ज्यादा दिख रहे, तो दूसरी तरफ सपा भी लगातार ये दावे और वादे करती नजर आई और लगातार पक्ष भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधता रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिमों की पार्टी है। बट अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में कितना यह सच हो पाता है, कितना मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं और ओवैसी कितना कामयाब हो पाते हैं मुस्लिम वोटर्स को साधने में। तो पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल हमेशा से जाति पर आधारित रहा है, पूर्वांचल में छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी एक्टिव हैं। वहीं अगर बात निषाद पार्टी की जाए तो निषाद पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया है। वहीं अगर बात ओपी राजभर की सुभाषपा की जाए तो सुभाषपा ने सपा के साथ गठबंधन किया है। सुभाषपा वाराणसी में भी काफी एक्टिव रही है, ओपी राजभर बनारस से ही पढ़े लिखे हैं और उन्होंने कई वहां से बड़े वादे और दावे किए हैं। एक तरह से उनका कहना यह भी था, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर वहीं से शुरू भी किया था। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि एक तरफ गढ़ है मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का गढ़ है वाराणसी, और दूसरी तरफ लगातार छोटी क्षेत्रीय पार्टियां भी वहां पर एक्टिव है। तो ऐसे में देखना होगा कितना, कौन ज्यादा यहाँ पर
कामयाबी हासिल करेगा, किस कौन जनता को अपने पाले में कर पाएगा। वहीं अगर विकास की बात करें तो विकास भी किया गया है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो और चाहे वो अन्य बड़ी कई मुद्दाए हो, कई ऐसी योजनाएं हो, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी सौगात दी है। और अब पूर्वांचल का यह आखिरी चरण बेहद ही कांटे का होने वाला है। हमारे संवाददाता रविंद्र सोनभद्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र सोनभद्र के क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनावी? जी बिल्कुल, बता दूं कि सोनभद्र में अंतिम चरण यानी 3 मार्च को चुनाव होने, 7 मार्च को चुनाव होने हैं। जी जी, यहाँ पे सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, वायदों के साथ अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर। उसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री जी भी आए थे, अखिलेश जी भी आए, प्रियंका जी आई थी, और कल कार्यक्रम मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम भी सोनभद्र में लगा है। जी, तो सोनभद्र में दावे और वादे क्या है? कौन से ऐसा विकास सोनभद्र की जनता के लिए ये पार्टियां करेंगी? सोनभद्र में भाजपा के प्रत्याशी या जो भी आ रहे हैं, वो एक जल योजना जो है सोनभद्र से इसकी प्रारंभ हुई है, उसी का श्रेय अपने माथे पर ले रहे हैं। जी, और सोनभद्र की जनता क्या कुछ विकास चाहती है सोनभद्र का? सोनभद्र की जनता की उम्मीदें क्या है रविंद्र, कि जो भी सरकार बनेगी उनके लिए क्या कुछ करेगी, क्या कुछ योजनाएं लाएगी, क्या उम्मीद रखती है सोनभद्र की जनता इन राजनीतिक पार्टियों से? सोनभद्र देखिए, सबसे ये सोनभद्र ऐसा जिला है यहाँ पे जहाँ 4 स्टेट लगते हैं, इनको शिक्षा के साथ विकास, रोजगार, तमाम चीजों की आवश्यकता है। इन्हीं उम्मीदों के साथ इस बार लोग मतदान करने के प्रयास में है। जी रविंद्र, कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है सोनभद्र से? जी बिल्कुल, बता दूं कि यहाँ पे 4 विधानसभा है, जिसमें आपके सबसे यहाँ के सूबे के रहे राज्य समाज कल्याण मंत्री संजीव गोंड जी, जो ओबरा से अनुसूचित जनजाति की सीट होने से ओबरा से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। वही घोरावल सीट से सपा के रमेश दुबे, भाजपा से विधायक रहे अनिल मौर्य, वही राजघराने से बिलोंग करने वाली प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है विंध्यसरे सिंह राठौर को। ओबरा सीट में कुंभा जैसे कांड में चर्चित हुए रामराज गौण जी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार कर वहां पे भी अपने प्रत्याशी को जिताने के प्रयास में है, दावा जमा रही है। जी रविंद्र, सोनभद्र में महिला अपराध एक अहम मुद्दा है, कई महिला अपराध सोनभद्र से सामने आए हैं, ऐसे में महिलाओं में क्या कुछ आक्रोश है और महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर कितनी ज्यादा इस वक्त सामने आएंगी और वोट मतदान केंद्रों तक जाएंगी वोट देने के लिए, क्योंकि सोनभद्र में महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है और महिलाओं को लेकर कई बड़ी घटनाएं सोनभद्र से सामने आई हैं। जी बिल्कुल, महिलाएं, वही तो पहले मैं बताया कि सुरक्षा, महिलाओं ने सुरक्षा की, पहले जो भी सरकार बने, जो भी हमारी सुरक्षा करेगी उसी को हम अपना मत करेंगे। और शिक्षा की आपने बात करी कि शिक्षा चाहती है सोनभद्र की जनता, सोनभद्र में शिक्षा के थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिछड़े के एरिया में सोनभद्र को देखा जाता है, तो अभी तक क्या कुछ योजनाओं का फायदा सोनभद्र की जनता को मिल पाया, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल एक खत्म होने वाला है, लगभग 5 साल पूरा हो गया है। जी बिल्कुल, बता दूं कि हमारा सोनभद्र जिला है जो सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे आज भी पढ़ने के लिए उनको बड़े लखनऊ, बनारस, तमाम जैसे इलाहाबाद, दिल्ली जाना पड़ता है। ये शिक्षा एक बहुत बड़ी है, तो सोनभद्र के लिए मुद्दा है। तो सोनभद्र की जनता एक बड़े यूनिवर्सिटी या स्कूल की डिमांड करती है इस बार जो भी सरकार बनेगी उससे। जी बिल्कुल, उनका ये है कि हमारे यहाँ जो, क्योंकि हमारा जिला सबसे ज्यादा राजस्व देता है, तो उनको भी एक, हमारे बच्चे अपने जनपद में रहकर पढ़ाई करें, उनको बाहर न जाना पड़े। जी, और वही अगर बात किया जाए जातिगत समीकरण का, तो पूर्वांचल में रविंद्र जातिगत समीकरण एक अहम मुद्दा है, तो कौन सी जाति का वोट किस पाले में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि गठबंधन भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में है। जी बिल्कुल, बता दूं कि सदर सीट जो रावणसन सीट है, वहाँ सबसे ज्यादा वोट रावणसन और घोरालो सबसे ज्यादा वोटर जो ब्राह्मण वोटर है। वही बात करें दुद्धी विधानसभा की, तो यहाँ के सबसे ज्यादा वोट है जो गोंड जाति, आदिवासी जात होती है, उनका वोट सबकी निगाह, सभी जो भी प्रत्याशी है जातिगत ढंग से वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, अभी आपने आदिवासी की बात करी, तो थोड़े दिनों पहले सोनभद्र से एक वाक्य सामने आया था जहां वहां से गोंड जो आदिवासी कहे जाते, वो अपने बच्चों के लिए मांग कर रहे थे कि हम कहां जाएं, उनका भी एक अलग मुद्दा था, वो कह रहे थे कि हमें एक अलग काउंट किया जाता, तो वो किस पार्टी की तरफ जाता दिखेंगे और किससे उनको उम्मीदें हैं, क्योंकि इनका मुद्दा सोनभद्र से पहले भी सामने आ चुका है रविंद्र। जी बिल्कुल, बता दूं
चारों सोनभद्र के चारों विधानसभाओं में त्रिकोणी लड़ाई है। वही बात करें सदर की, क्योंकि बसपा ने अविनाश कुशवाहा को देकर के और भाजपा से भूपेश चौबे और सपा से अविनाश कुशवाहा, ये तीनों बहुत त्रिकोणी लड़ाई है। वही क्यों घोरावल विधानसभा करें तो रमेश दुबे पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, वही से अनिल मौर्या जो विधायक हैं वो लड़ रहे हैं, और कांग्रेस ने भी राजकरण से बिलोंग करने वाली बिंदेश्वरी सिंह राठौर को लड़ा दिया। और दुद्धी विधानसभा की बात करें, दुद्धी विधानसभा चूंकि ये गुण वोट सबसे ज्यादा है, यहाँ सपा से कई बार विधायक रहे, एक बार मंत्री विजय सिंह गोड़ अपना किस्मत आजमा रहे हैं। वही भाजपा ने उन्हीं के शीर्ष रहे राम दुआरे गोड़ को टिकट देकर अपने प्रत्याशी को जिताने के प्रयास में है, और हरिराम चेरो जो कि सपा अपना दल गठबंधन से विधायक रहे, उन्होंने हाथी की सवारी करके चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जी वही अगर बात की जाए रविंद्र, आपने बताया कि जो बड़े बड़े दिग्गज हो सोनभद्र में जा रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, सभी वहां जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, ऐसे में इन दिग्गजों की बातों का कितना प्रभाव सोनभद्र की जनता पर पड़ रहा है, इनकी दावों और वादों से कितनी प्रभावित हो रही है सोनभद्र की जनता? देखिए कहा गया है ना, पब्लिक ये सब जानती है, अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है, जिनको जहां मतदान करना है, जिनको विकास का मुद्दा है, शिक्षा है, हॉस्पिटल, सोनभद्र में बड़े हॉस्पिटल नहीं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तो पब्लिक है जिनको जहां उनको कोई प्रभाव नहीं है, कोई भी आया स्टार पे उनको जहां मतदान करना मतदान करेंगे। रविंद्र आपने एक बात और बताई कि कई दिग्गज वहां से चुनावी मैदान में है, ऐसे में कौन सा दिग्गज किन वादों के साथ है? वादे जानना इसलिए अहम है क्योंकि सोनभद्र की जनता को काफी विकास चाहिए, राजस्व देने वाला जिला है सोनभद्र, तो कौन से जो प्रतिनिधि है वहां से प्रत्याशी है वो किन मुद्दों के साथ है इस बार जनता के बीच में गए हैं और जनसभाएं की और लोगों को क्या कुछ उम्मीदें दिलाई है कि अगर जनता उनको चुन करके भेजती है विधानसभा तो क्या कुछ विकास करेंगे सोनभद्र की जनता का या फिर अपने विधानसभा का? तमाम देखिए वादे हैं, जैसे अभी दुद्धी विधानसभा के लिए सभी पार्टी जो भी लोग लड़ रहे हैं चुनाव मैदान में, काफी सिंह से दुद्धी को जिला बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, जो दुद्धी तहसील है ये जिले का हर मानव को पूरा करता है, लेकिन इसमें कोई भी खरा नहीं उतरता। वादे तो बहुत पार्टियां करती, सभी पार्टियां वादे करती, तमाम वादे करती हैं, लेकिन जितने के बाद कोई नजर नहीं आता है, यहाँ सांसद हो विधायक हैं, जो पब्लिक का कहना है। जी तो इस बार की जनता उसी को अपना नेता चुनेगी जो जीतने के बाद नजर आए, और तमाम ऐसे मुद्दे जैसे आपने बताया कि जो दुद्धी है उसको जिला बनाने की तमाम लोगों की उम्मीदें हैं बनाया जाए, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कोई उम्मीद नजर आती है? क्योंकि मात्र अब कुछ दिन ही बचे हैं, 7 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी है। जी बिल्कुल, 7 तारीख वोटिंग है, 5 तारीख से यहाँ के चुनाव प्रचार थम जाएंगे। जी अब देखिए जनता का मूड क्या है, जनता का नहीं। जी बिल्कुल, आप वहां की जनता से जानते रहिए, उनका मत जानते रहिए। 7 तारीख का चुनाव, हमारे संवाददाता सोनभद्र से हमारे साथ जुड़े थे और सोनभद्र में भी काफी कुछ हमारे संवाददाता ने बताया कि काफी कुछ ऐसे मुद्दे वहां पर है जो वहां की जनता चाहती है। वहां की जनता का ये भी कहना है कि हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा राजस्व है लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों को बाहर बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने जाना पड़ता है, स्वास्थ्य व्यवस्था, हॉस्पिटल की जरूरत है सोनभद्र की जनता को। तो ऐसे में देखना यह होगा कि अब जिसको भी सोनभद्र की जनता चुनती है वो आगे 5 साल तक क्या कुछ सोनभद्र की जनता को विकास दे पाएगा, क्या इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। और वहीं अगर बात कई जगहों को जिले में तब्दील करने की भी बात चल रही है और ये सब उम्मीदों पर कौन सा प्रत्याशी और किस पार्टी का प्रत्याशी कितना खरा उतरेगा, कई जातिगत समीकरण भी है, कई बड़े बड़े दिग्गज सोनभद्र में जा रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, और भी बड़े जो स्टार प्रचारक है सभी पार्टियों के वो जा रहे हैं, दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ के सामने आता है कि कौन इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। जनता हर साल, हर 5 साल बाद उम्मीदों के साथ जाती है और अपना नेता चुनती है, ऐसे में ये सवाल उठ के हमेशा से सामने आया है कि कौन इनकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव आखिरी चरण पर है, 7 तारीख को 7 चरणों के चुनाव समाप्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 कुल 7 चरणों में होना था, 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। और सबसे अहम बात 2022 की विधानसभा में ये भी रही कि इस बार 7 चरणों के मुद्दे अलग रहे हैं। अगर बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें, बुंदेलखंड की करें, रुहेलखंड की करें, पूर्वांचल की करें या फिर अवध की करें, सारे इस बार सारे खंडों में अलग अलग मुद्दे रहे हैं। पलायन हो गया, किसानों का मुद्दा हो गया, गन्ना किसानों का मुद्दा हो गया, रोजगार का मुद्दा, विकास का मुद्दा, रोजगार एक अहम मुद्दा रहा। और वहीं अगर बात
अवध और पूर्वांचल के कई ऐसे जगहों पे पड़े तो वहां पे बाढ़ भी एक अहम मुद्दा रहा है, जहां पर बाढ़ से भी हमेशा जनता बेहद ही परेशान नजर आई है। तो अब ऐसे में देखना यह है कि जनता ने किसको चुना है, जनता इस बार किसको सियासत की कुर्सी पर बैठाएगी, सत्ता किसके हाथ में देगी। उत्तर प्रदेश का सियासत अहम इसलिए भी माना जाता है क्योंकि कहा जाता है दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश कई मायनों में अहम है। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 बेहद ही दिलचस्प हो गया, कई बड़े दिग्गज 2022 में चुनावी मैदान में आए। अगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री की तो पहली बार विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने अपनी ताल ठोकी थी। वहीं जब बात ये भी की गई थी कई बार कि ऐसा क्या है कि ये लोग अपने सेफ सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, जब पूर्व मुख्यमंत्री करहल से चुनाव लड़ने गए थे तो उन पे भी तंज कसा गया था। वहीं जब मौजूदा मुख्यमंत्री अपने गोरखपुर की सीट से लड़ने गए थे तो ये भी कहा गया था कि उनके घर वापसी हो गई है। तो इस चुनाव में बयानबाजी भी काफी तेज रही, एक दूसरे पर पलटवार, गर्मी शांत कर देंगे इसे शिमला बना देंगे, ऐसे बयान भी सामने आए हैं। कई बातें सामने आई है जिसको लेकर जनता में थोड़ी नाराजगी भी दिखी, जुबानी मर्यादा भी लोगों ने काफी लांघी है। इन सब चीजों के बाद, इन सब जंग के बाद 10 तारीख को फैसला आएगा। छठे चरण तक का चुनाव हो चुका है, सातवें चरण का चुनाव 9 जिलों में होना है, आजमगढ़, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि कितना अहम होने वाला है सातवें चरण का चुनाव। लगातार ये कवायदे भी लगाए जा रही थी कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, सभी बड़े बड़े स्टार प्रचारक जा रहे हैं और जनता से बड़े बड़े वादे और दावे कर रहे हैं, लेकिन इसमें जनता की उम्मीद एक ही होती है कि कौन जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेगा। और जातिगत समीकरण जो सबसे ज्यादा अहम होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अगर बात की जाए महिलाओं की तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी महिलाओं को भी एक अहम मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया है, 40% उन्हें टिकट देकर। इन सब चीजों के बाद अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव किसके पाले में जाएगा, जनता किसको चुनकर सत्ता की कुर्सी उनके हाथ सौंपेगी। ऐसी और ताजा तरीन जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।